साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है, तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू कर दें। ये वो शक्ति है, वो पावर है, जिसने जान ली वो महान बन जाएगा, वो सामान्य नहीं रह पाएगा, वो असामान्य हो जाएगा, एक साधारण आदमी, एक कॉमन मैन, सुपरमैन बन जाएगा, एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएगा। उसके पास में स्टील बॉडी होगी, ताकतवर शरीर होगा और स्टील माइंड होगा। भारत का युवा, क्योंकि भारत युवा देश है, युवा देश ही हिंदुस्तान की क्रांति को लिख सकता है, ताकत शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। उसको अगर ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी बनाया जाए तो किसी देश की औकात नहीं होगी जो हिंदुस्तान के सामने खड़ा हो सके। हमारा सोच का तरीका ऐसे हो चुका है कि हमें हमारे शरीर की परवाह नहीं रही, हम उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, क्योंकि सोच नहीं पा रहे ना। जब पेट आगे नहीं जाएगा तो इस हिस्से में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हिस्सा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जो मेजर एरिया है, और स्किन पे चमक नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, डाइजेस्ट होता नहीं है, जुनून है नहीं, इच्छा है नहीं, एनर्जी बची नहीं है, जज्बा है नहीं, गिरे पड़े हैं बस। आपको पता है ना कि हमें करना क्यों है, तो आप कर लो। इसलिए मैं इतना सेशन को इंटरकनेक्ट करते हुए चलता हूँ। मैं आपको बोलूँ, गहरी सांस लो, फायदा होगा। कैसे हो? प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे हैं, समझते जाओ। आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। जिस किसी को स्टील बॉडी और स्टील माइंड, स्टील बॉडी और स्टील माइंड चाहिए, उनके लिए सेशन है। जिनको सुपर एनर्जेटिक बनना है, जिसको ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनना है, मैन से सुपरमैन बनना है, अपनी जिंदगी में 200% एफिशिएंसी चाहिए, बीमारियों से दूरी चाहिए, एक्सट्रीम सक्सेस हासिल करनी है, उनको ये सेशन किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेशन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस सेशन के बाद में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। इस सेशन में कुछ क्रांतिकारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आप यहां पर समझ सकते हैं वन बाय वन। कुछ एवोल्यूशन की बात भी हम लोग करेंगे, कुछ न्यूरोफिजियोलॉजी की बात भी हम लोग करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात भी हम लोग करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा भी हम लोग के पास में है। तो ये बहुत 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 पावरफुल सेशन है। सांस यानी गहरी सांस, एकाग्रता और ऊर्जा। ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए इस सुपर पावरफुल सेशन को? आज का हमारा मुद्दा है गहरी सांस यानी डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन और ऊर्जा। आपकी उम्र 5 साल से लेकर 95 साल के बीच में है तो आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो में कोई उम्र बाउंडेशन नहीं है। आप पूरे हेल्दी हैं तब भी आपके लिए है, आप अनहेल्दी हैं, कुछ बीमारियां आपको है तब भी आपके लिए है, आप एक सामान्य इंसान हैं, आप एक कॉमन मैन हैं, लेकिन आपको सुपरमैन बनना है तब भी आपके लिए है। अगर आपको जिंदगी में बिना किसी पीड़ा के, समस्या के, बिना किसी हेल्थ इश्यू के सिर्फ परफॉर्म करना है, एक्सट्रीम परफॉर्मर बनना है, 200% एफिशिएंसी हासिल करनी है, स्टील बॉडी और स्टील माइंड आपको चाहिए, तो इस सेशन आपके लिए है। पूरी शिद्दत से नोट डाउन करते हुए इसको प्रोसीड करना है। एक सेशन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, ये मेरा प्रॉमिस है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के फोकस की, 30 मिनट के फोकस की। गहरी सांस, एकाग्रता, ऊर्जा।
आज एक सामान्य इंसान एक कॉमन मैन सुपरमैन बनेगा, मैं ये प्रॉमिस आपको करता हूं। सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है, मतलब मुझे लगता है कि ये वो वीडियो है जो मुझे आज के बहुत समय पहले करना चाहिए था, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और आज आपको मैं बता रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। सबसे पहले आपको समझना है, ब्रीदिंग इज लाइफ। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल, कि किसी भी इंसान को हम जिंदा कब तक मानते हैं? जब तक उसकी सांसें चल रही हो। हालांकि शाहरुख खान ने शायद सिखाया है कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, बट सच ये है कि जब तक है सांस, जब तक है सांस, जब तक है सांस। और सांस मतलब, समझ रहे ना आप लोग, सास ससुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं। ब्रीदिंग इज लाइफ। जब तक आपकी सांसें चल रही है तो कहा जाता है कि आप जिंदा हैं। और अगर सांसें आपकी खत्म हो गई तो ये कहा जाएगा कि अब ऑब्वियस सी बात है आपकी डेथ हो चुकी है। जब तक सांस है तब तक जिंदगी है, जब तक ब्रीदिंग है तब तक लाइफ। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल मैं पूछता हूं, हो सकता है साइंस वाले लोग उसका जवाब देते हैं, लेकिन जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको इसमें थोड़ी दिक्कत आए। हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिससे सारी गंदगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिससे हम लोग ज्यादातर गंदगी बाहर निकलती है हमारे शरीर की? तो 90% लोगों का जवाब होगा कि किडनी, है ना। किडनी एक वो ऑर्गन है जहां से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। बट सच ये है कि 70% एक्सक्रीशन टॉक्सिन्स का लंग्स करते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े। अगर मैं पूछता हूं कि आपकी एनर्जी कहां से आ रही है या आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो जब भी हम बात करते हैं कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है तो सामने वाला इंसान जवाब देता है कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूं, या मैं फ्रूट्स खाता हूं, या मैं 10 रोटी खाता हूं, मैं 20 किलो दूध पीता हूं। एक आंसर है, लेकिन किसी भी ह्यूमन की 70% एनर्जी लंग से आती है, फेफड़ों से आती है। सांस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप कुछ समय के लिए भी प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे तो आपकी डेथ हो सकती है। लंग्स अगर डैमेज आपके हो जाते हैं तो आपकी इमीडिएट डेथ हो जाती है, जो आपने कोविड यानी कोरोना में महसूस किया होगा। इंसान की 70% ऊर्जा, 70% एनर्जी लंग से आती है, यानी कि सही तरीके से सांस लेने से आती है। अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है तो आप हमेशा थका हारा महसूस करेंगे, ये निश्चित है। अगर आप मेरे को देख रहे हैं, अभी रात का समय हो रहा है और मैं सुबह से काम कर रहा हूं, क्या आपको ये फील हो रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे में एनर्जी नहीं है? बिकॉज आई नो कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से आपको ब्रीदिंग करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं, जो लोग ऑनलाइन सेशंस लेते हैं वो अक्सर पूरे दिन सोते हैं और फिर शाम को काम करने आते हैं, बट मैं पूरे दिन यही रहता हूं क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास में पढ़ने आते हैं, ये आपको पता है। 70% एनर्जी आपकी लंग्स से आती है, यानी कि फेफड़ों से आती है। अब इस एक्टिविटी के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिविटी है। सर ये क्या टर्म यूज कर रहे हो, अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिविटी,
यहीं से खेल शुरू हो जाता है। जैसे आपका लीवर काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, आपकी आंतें काम कर रही है, इंटेस्टाइन काम कर रही है, आपको नहीं पता, वो आपको फोन थोड़ा कर रही है, हेलो बाबू आप मैगी मत खाना, हमको दिक्कत हो रहा है, नहीं, वो काम कर रही है अपने हिसाब से। हाँ, आपने कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया जो उनके लिए सही नहीं है, वो फोन नहीं करती, वो काम करती, लीवर भी काम कर रहा है, ऐसे आपका हार्ट भी काम कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसा के फेफड़े भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप हार्ट के चलने को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, डाइजेशन को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, लीवर को नहीं समझा सकते कि भाई ये काम नहीं करना है। एक चीज आप कर सकते हो कि जो सांस आपकी चल रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सांस अनकॉन्शियसली चल रही है, अगर आपको नहीं भी पता, आप सो भी रहे हो तभी तो सांस चल रही होती है, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और सांस को कंट्रोल करना ही असली ताकत है। मतलब ये दुनिया की एकमात्र ऐसी एक्टिविटी है जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल है। अगर आप सो रहे हो, अगर आप चल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, आप खा रहे हो, आप काम कर रहे हो, सांस तो चल रहा है, बट इस एक्टिविटी की खासियत है ये अनकंट्रोल्ड बट कंट्रोलेबल है। ये अनकॉन्शियसली भी होती है बट आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग भी कर सकते हो। ये बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है। आपको आपकी बॉडी नहीं बताती, आपको आपका लीवर नहीं बताएगा कि बाबू आपने रात में बियर पिया था, ऐसा नहीं करना, हम डैमेज हो रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, बट ब्रीदिंग एक अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिविटी है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी है, और यहीं से सारी साइंस बदल जाती है। ये वो शक्ति है, वो पावर है, जिसने जान ली वो महान बन जाएगा, वो सामान्य नहीं रह पाएगा, वो असामान्य हो जाएगा, एक साधारण आदमी, एक कॉमन मैन सुपरमैन बन जाएगा, एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएगा। उसके पास में स्टील बॉडी होगी, ताकतवर शरीर होगा और स्टील माइंड होगा। इस सेशन का टारगेट यही है कि आपको स्टील बॉडी मिले, स्टील बॉडी। वो स्टील बॉडी कहां से आएगी? अमेजिंग डाइजेशन से। आज लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्टिल माइंड यानी स्थिर दिमाग, शांत दिमाग, स्थिर दिमाग, यही तो ताकत है, यही तो ताकत है। जिसके पास स्टील बॉडी और स्टिल माइंड है वो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है दोस्त। उसके लिए तो कोई युद्ध है ही नहीं है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, मजाक है, वो जब चाहे तब कोई सा युद्ध जीत सकता है। अगर आप 5 साल की उम्र है आपकी, आपकी उम्र 95 साल की है, तब भी ये सेशन आपके लिए, आपको फोकस करना है। आपको कोई इश्यू है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप इस वीडियो को देखिए। जिंदगी में हमेशा के लिए आपका वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिविटी, लेकिन एक बार आप इस अनकंट्रोल्ड को कंट्रोलेबल ले आते हैं, मतलब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कंट्रोल योर ब्रीदिंग, अगर आप कंट्रोल सीख लेते हैं ब्रीदिंग के ऊपर, श्वास के ऊपर कंट्रोल सीख लेते हैं, तो आपके थॉट्स, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपकी इमोशंस, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपके एडिक्शन, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, वो एडिक्शन पॉर्न का हो सकता है, फास्ट फूड का हो सकता है, मैस्टरबेशन का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, सब कुछ कंट्रोल हो जाता है और दुनिया में कोई सा भी एडिक्शन आपके लिए एडिक्शन नहीं रह जाता। सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो मैस्टरबेशन हो,
सब कुछ, एवरीथिंग बिकम इन योर कंट्रोल। मतलब ब्रीदिंग एक वो चीज है जो अनकॉन्शियस है, अनकंट्रोल्ड है, बट कंट्रोलेबल है, और यही साइंस में आपको समझा रहा हूं। आज का मुद्दा है कि किस तरीके से एक इंसान जो अपनी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहा है वो कैसे स्टील बॉडी और स्टिल माइंड डेवलप कर सकता है। स्टील बॉडी और स्टिल माइंड, इसी मुद्दे पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं। पूरा कंटेंट को नोट डाउन करिएगा, अपनी जिंदगी में हमेशा संभाल के रखिएगा। कई बार ये चीजें अगर आप देखेंगे और फेंक देंगे, देखेंगे और सुन के निकल जाएंगे, जिंदगी में कभी इन सेशंस का फायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सेशन नोट डाउन करना है और हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, यहां समझते जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ओटीटी इंडिया बनाया है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी इंडिया, जिसका अल्टीमेट गोल है कि हिंदुस्तान के युवाओं को ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी बनाया जाए। मेरे इस मिशन को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कम 10 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पर जोड़े जाएं। एक गोल होगा कि हिंदुस्तान के लोगों को एक स्टील बॉडी, स्टील माइंड और अल्ट्रा फोकस्ड सक्सेस की तरफ मोटिवेट किया जाए, ताकि वो हिंदुस्तान को उस लेवल पर ले जाएं जहां से दुनिया में किसी भी देश की औकात ना हो, जो हिंदुस्तान के सामने आंख उठाकर देख सके इस लेवल पर, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है। ओटीटी इंडिया उन युवाओं को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी युवा बनाना चाहता है, और मैं चाहता हूं कि भारत का युवा, क्योंकि भारत युवा देश है, युवा देश ही हिंदुस्तान की क्रांति को लिख सकता है, ताकत शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। उसको अगर ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी बनाया जाए तो किसी देश की औकात नहीं होगी जो हिंदुस्तान के सामने खड़ा हो सके। आप समझिएगा, बात को समझिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा इसका और आपको इसको ऐड करना है। फिलहाल आप यहां देखिए, ब्रीदिंग इज लाइफ, ब्रीदिंग इज लाइफ, ये एक अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्टिविटी, एक अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी है। अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। अब आगे की बात एक बार ध्यान से समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई 99% पीपल आर सफरिंग, Why 99% people are suffering? Because they are breathing wrong. कि लोग हंसेंगे मेरी इस बात पे, हंसेंगे, अरे सर कैसी बातें करते हो, इससे क्या होता है? अभी सारी चीजें आप लोगों के सामने एक एक चिट्ठा खोलूंगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं यही सच्चाई है, यही हकीकत है। वन बाय वन आपको चीजें समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा। चीजों को देखिए, why 99% पीपल आर ब्रीदिंग रॉन्ग। ये हमारे फेफड़े देख रहे हैं आप लोग, फेफड़े जो आप देख रहे हैं, इन फेफड़ों में 30% एल्वोलाइज इस एरिया में होती है, मात्र 30%, 70% इस नीचे वाले एरिया में, एल्वोलाइज किस नीचे वाले एरिया में। जब आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं, वो कैसी ब्रीदिंग होती है, वो क्या करना होता है, उसको हम लोग समझते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है। 70% एल्वोलाई मतलब जो फेफड़े जिस चीज से, जिस डिवाइस से, ऑर्गन से सांस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 उनके थ्रू आती है, एल्वोलाइज होती है। तो 70% एल्वोलाइज, 30% एरिया में होती है, और एरिया कहां होता है, वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब डेंस एल्वोलाई, डेंस एल्वोलाई
डाउन द लंग्स होती है, डाउन द लंग्स। समझते जाना है, मैं आपको सच कह रहा हूं, जिंदगी में बीमार पड़ना भूल जाओगे। हमेशा कहता रहा हूं कि एक ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी युवा के पास में बीमार होने का समय नहीं होगा। आप इन चीजों को समझिए, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। आज आज हम तीन चीजों की वजह से बर्बाद हो रखे हैं। इसका नाम है हरी, वरी और करी। आज हमें जल्दबाजी है, जल्दबाजी है तो चिंता है, चिंता है तो हम, हमारा सोच का तरीका ऐसे हो चुका है कि हमें हमारे शरीर की परवाह नहीं रही है। हम उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, क्योंकि सोच नहीं पा रहे ना। सोचेंगे कैसे जब हमारे पास में हरी नहीं है, वरी नहीं है, जब शांति है। 90% जनता फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो चिंता में है और हो कुछ नहीं रहा उनसे। वो ऐसे लोग हैं, 99% लोग जिनका इंजन स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है, पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल बर्निंग, पेट्रोल जल रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं। क्यों? डायरेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि शांति नहीं। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉपर क्यों नहीं? क्योंकि तरीका नहीं पता है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर है तो आपके दिमाग में शांति होगी, शांति होगी तो समझ आएगी, समझ आएगी तो सफलता आएगी। ये सीधा कनेक्शन है। तो हमें समझ लेना है कि हमारे पास में ये जो फेफड़े आप देख पा रहे हैं, फेफड़े, मैं आपको बता चुका हूं किडनीज की कोई औकात नहीं है फेफड़ों के सामने। फेफड़ों को ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम तो इनको खत्म करने में लगे हुए हैं। यहां पर इस एरिया में जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया, यहां पर हमारे पास में 70% एल्वोलाइज है, 70%, लेकिन यहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा है कुछ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हरी भरी और करी के शिकार क्यों हैं? क्योंकि हम इररेगुलर ब्रीदिंग, हम कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं? इररेगुलर, इररेगुलर, शैलो ब्रीदिंग, हाँ, शैलो ब्रीदिंग, जिसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग, जिसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ऊपर आता है, नीचे आता है, पेट का मूवमेंट नहीं हो रहा, पेट का मूवमेंट नहीं हो रहा। और जब पेट आगे नहीं जा रहा, जब पेट आगे नहीं जाएगा तो इस हिस्से में जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये हिस्सा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जो मेजर एरिया है, और स्किन पे चमक नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, डाइजेस्ट होता नहीं है, जुनून है नहीं, इच्छा है नहीं, एनर्जी बची नहीं है, जज्बा है नहीं, गिरे पड़े हैं बस। सुबह उठे, जोमेटो से 2 कचोरी मंगाई, खाए, हमें समझना पड़ेगा कि इररेगुलर और शैलो ब्रीदिंग की वजह से हो क्या रहा है। इससे इररेगुलर थॉट्स आ रहे हैं। अगर जिस इंसान की ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर है, जिसको सांस लेना आता है, जिसकी सांस प्रॉपर है, उसके थॉट्स बहुत प्रॉपर होंगे, उससे गलती हो ही नहीं सकती, उसकी सोच नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेकिन इररेगुलर है, शैलो ब्रीदिंग, और जब ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, उनके पास में कुछ कंटेंट नहीं है, सुबह से शाम तक सिर्फ नेगेटिविटी में जी रहे हैं, क्योंकि नथिंग इज कंट्रोल। एक बच्चे को आपने देखा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जब सांस लेता है सोता हुआ, तो उसका पेट फूल रहा होता है, पेट फूल रहा। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाने वाला हूं, बहुत सारी तरकीबें मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आपकी जिंदगी, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, मैं नॉर्मल सेशन लेता ही नहीं हूं, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखा। देखते जाओ, अगर इररेगुलर थॉट्स है तो वो कहां से आ रहे हैं? वो इररेगुलर ब्रीदिंग से आ रहे हैं, और इररेगुलर थॉट्स एट द एंड नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं।
पॉजिटिव थॉट्स हो ही नहीं सकते। और जिस इंसान के दिमाग में थॉट्स ही नेगेटिव है, उससे आप क्या कुछ महान करने की उम्मीद कर सकते हो? क्या आप उससे कुछ महान करने की उम्मीद कर सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें यह समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, हमेशा के लिए बैठा लेना है दोस्त, कि अगर हमने हमारी श्वास सुधार ली तो हमारी जिंदगी अपने आप सुधर गई। जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। उसने तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा है, कर्म करो। श्वास लेना भी एक कर्म है। चीजों को समझो एक बार। इररेगुलर थॉट्स हमेशा नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमें ब्रीदिंग डीप करनी है। और मैं उसका तरीका आज आपको बताने वाला हूं, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देने वाला हूं। आज मैं ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाने वाला हूं। स्टील बॉडी आपको मिलने वाली है, स्टिल माइंड 200% एफिशिएंसी के साथ आप काम करेंगे। अगर आपकी उम्र 5 साल है, 95 साल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा फोकस करते हुए चीजों को देखना है। डीप ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, मोर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा। और जब ऑक्सीजन जाएगा, जितना कुछ जलता है हमारे शरीर में, कुछ भी गया तो जलता किससे है? जलाती कौन है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो आपके क्या होंगे? यू विल बी स्टेबल थॉट्स। आपका माइंड स्टिल होगा, स्टिल माइंड, शांत रहेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए और अमेजिंग डाइजेशन, तो उससे क्या होगा? स्टिल बॉडी। अब आज के युवाओं को देखो, खपच्ची हो रखे हैं, बुलेट लेके घूम रहे हैं, बुलेट लेके, और बुलेट में वो सेल्फ स्टार्ट का बटन आ गया है, पहले नहीं आता था। मतलब ऐसे हैं, अगर वो सेल्फ स्टार्ट ना हो ना, उसमें किक मारे तो 40 फुट ऊपर जाएंगे और चंद्रयान 3 के आसपास निकल भी जाएं, क्या पता साउथ पोल पे लॉन्च भी हो जाएं, कोई पता नहीं है उनका। डाइजेशन खत्म पड़ा है, एनर्जी है नहीं, जुनून आएगा कहां से यार, कुछ करने की इच्छा आएगी कहां से? और उस पे बुलेट पे लिखा हुआ है पापा'स गिफ्ट। वाह, अरे पहले अपने आप को सुधार ले। स्टील बॉडी और स्टील माइंड। स्टील माइंड, दिमाग रुका हुआ, शरीर चलता हुआ, हो उल्टा रहा है, शरीर पड़ा है बेड पे, या आजकल छोटे मोटे कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्ता साइड में पड़ा है, सोफा पे पड़े हैं ऐसे, और खोपड़ी में 10 थॉट्स आ रहे हैं। स्टेबल, आपका दिमाग जो है ना वो स्टिल और बॉडी स्टील। ये कब होगा? जब तुम्हारे खोपड़ी में बहुत ऑक्सीजन जा रही है। वो कैसे हो पाएगी? डीप ब्रीदिंग से हो पाएगी। डीप ब्रीदिंग का बहुत सारे एविडेंस पुराने समय में भी दिए हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं योगिक साइंस क्या कहती है, योगिक साइंस का क्या मानना है, एक बार उनका आस्पेक्ट समझते हैं। नहीं देखा ना आपने ऐसा? मतलब सेल्फ स्टार्ट का बटन ना हो तो लॉन्च हो जाएंगे वो। भारत को कोई सैटेलाइट वेटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है। बुलेट के ऊपर बिठाओ आज के युवाओं को, सैटेलाइट हाथ में दो, मारो कि ये गए। अरे कुछ ताकत शक्ति लाओ अपने में यार। यहां देखो योगिक साइंस बिहाइंड ब्रीदिंग। योगिक साइंस क्या कह रही है ये अपने को समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज कुछ क्रांतिकारी सीखने के लिए आए हैं, तो हमको सबके एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे, तभी कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम। देखो, अगर आपको ये पता है ना कि मैं करना क्यों है, तो आप कर लोगे। आपको पता है ना कि मैं करना क्यों है, तो आप कर लोगे। इसलिए मैं इतना सेशन को इंटरकनेक्ट करते हुए चलता हूं। मैं आपको बोलूं, गहरी सांस लो, फायदा होगा। कैसे हो? प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे, समझते जाओ। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, उसमें एक इंसान है। इंसान की एवरेज एज इसकी नहीं, ये तो आदि मानव है, ये तो बहुत कम जिया करता था, बेचारा चिंता में ही मर गया। आज के समय में इंसान की औसत उम्र 78 to 82 के आसपास मानी जाती है। एक कुत्ते की उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है, 10 to 2। ये योगिक साइंस का रेफरेंस ले रहा हूं मैं। अब मॉडर्न साइंस इस चीज को एग्री नहीं करती है। मैं
योगिक एंशियंट साइंस की बात कर रहा हूं। ये टॉर्टोइज यानी कछुआ है, इसकी उम्र तकरीबन 150 इयर्स होती है। एक कछुआ है जोनाथन टॉर्टोइज, उसकी उम्र फिलहाल 191 इयर्स है। जोनाथन टॉर्टोइज की उम्र। अब योगिक साइंस का रेफरेंस क्या है? योगिक साइंस ये कह रही है कि भाई देखो, हम जो समझे हैं आज तक, तो हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। क्या समझा रही योगिक साइंस? ये ह्यूमन है, ये डॉग है, और ये टॉर्टोइज। इंसान जी रहा है 78 to 82 years। उसकी नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन की, वो है 12 से 18 के बीच, जो वैदिक साइंस या एंशियंट साइंस कह रही है 12 से 18 के बीच, ये उसकी ब्रीदिंग रेट है ना। सांस आप एक मिनट में 12 से 18 के बीच में सांस लेते हो नॉर्मली, तो ब्रीदिंग रेट है उसकी 12 से 18 के बीच, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, एक जो कुत्ता है, कुत्ते की जो ब्रीदिंग रेट है, पहले उम्र की बात करते हैं, 10 से 12 साल है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, वो 24 से 35 के बीच में ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की स्पीड। कछुआ 150 साल जी रहा है, 150 इयर्स। उसकी ब्रीदिंग रेट है सिर्फ 3 से 4 पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो 3 से 4 बार सांस लेता है। ये योगिक साइंस कहती है। योगिक साइंस ये कहती है कि कोई अगर बहुत तेजी से श्वास ले रहा है, तो उसकी श्वास गहरी नहीं होती है, शैलो होती है, और जब शैलो होती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जाती है तो उसके इसमें उसके लंबे जीवन की संभावनाएं कम हो जाती है। आप इस नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मुझे 82 नहीं, मुझे 102 जाना है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा, और इसको कम करने का एक ही रास्ता है, डीप स्लो ब्रीदिंग, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये एंशियंट साइंस, योगिक साइंस मानती है कि अगर आपको, इफ यू हैव टू इंक्रीज योर एज, और उम्र बढ़ने का सीधा मतलब है, अगर कोई डीप ब्रीदिंग कर रहा है, उम्र कैसे बढ़ेगी उसकी, तो वो बीमार नहीं होगा, टिश्यूज प्रॉपरली रिपेयर्ड हैं, कोई दिक्कत आई नहीं रही है उसमें। तो हमें समझना है कि उम्र को बढ़ाने का, इंक्रीज योर एज, उम्र को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, दैट इज डीप ब्रीदिंग। ये प्राचीन ऋषि मुनियों ने बता दिया था भाई, और रेफरेंस के तौर पर उन्होंने ये लिए थे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ब्रीदिंग करता हूं और कैसे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको खुद की उम्र बढ़ानी है, क्यों क्यों बढ़ानी उम्र, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंडिया में भारत में जितने भी पीएम बने हैं, अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं, उन सबकी आप औसत उम्र निकालो, है ना, तो वो आती है लगभग 68 इयर्स। मतलब भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, हा? भाई और बहनों, देश में विकास हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये आपको रुतबा चाहिए, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको 68 साल जिंदा रहना पड़ेगा। और 68 साल ऐसे नहीं वेंटिलेटर में पड़े हैं, अस्पताल में पड़े हैं, घुटने काम नहीं कर रहे, एनर्जी के साथ में, स्किन के ऊपर चमक हो, रुतबा हो, बोलना आता हो, जनता को एड्रेस करना आता हो, एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा, तब आप पीएम बनने के बारे में सोच सकते हैं। एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश की जनता को किस दिन ये पता लग गया कि हमारे देश के पीएम बुढ़े हो चुके हैं, अब इनमें
जज्बा बचा नहीं है, एनर्जी बची नहीं है, तो कभी वोट नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये बहुत जरूरी है कि उस इंसान को आपके सामने पूरी एनर्जी के साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता को पता लग गया ना कि अब नहीं, एक बात समझ लो, रट लेना इसको, जिंदगी में बता रहा हूं आज, दुनिया में एक सबसे बड़ी साइंस है और मैं आपको सिखा दे रहा हूं, सबसे बड़ी ताकत दो चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में दो चीजें सबसे ताकतवर है, एक का नाम है वोट और एक का नाम है नोट। नोट मतलब पैसा, एक वोट, जनता का सपोर्ट या फिर पैसा, दोनों एक ही चीज से मिलते हैं, उसका नाम है एनर्जी। अगर ऊर्जा है, शक्ति है, तो दोनों चीजें कमा लोगे, बच नहीं सकती तुमसे। जनता किसको सपोर्ट करती है? जिसमें एनर्जी है, जिसमें क्षमता है, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उसको सपोर्ट करती है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर ज्यादा है। एनर्जी दिखाता है वो इंसान, कैमरे पर यही तो काम के लिए उनको बुलाया जाता है कि मैच में आप जाओ और दिखाओ, हर चीज पे गाली बक दो, कैमरा आपको दिखाएगा, बार बार आप टीवी पे आओगे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी दिखाओ। वोट और नोट का खेल एनर्जी से ही संभव है। जिसके पास एनर्जी नहीं है वो आज ही अपनी जिंदगी में डीप ब्रीदिंग शुरू कर दे, स्टिल माइंड और स्टील बॉडी उसको अपनी लाइफ में मिल जाएगी। हमें यह समझ लेना है कि योगिक साइंस क्या कह रही है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। खैर, अब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। मॉडर्न साइंस अबाउट ब्रीदिंग, मतलब न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंपैक्ट, इसको समझना। मॉडर्न साइंस ब्रीदिंग के बारे में क्या कहती है? एनर्जी से ही वोट आता है, एनर्जी से ही नोट आता है। नोट हमारे देश में अंबानी के पास में है, वोट मोदी के पास में, दोनों देश चला रहे, आपस में भयंकर सपोर्ट करेंगे क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन से ही चलता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर बिजनेस पीपल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन बिजनेस पीपल का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये हर कंट्री में होता है, यूएस में भी होता है, रशिया में भी होता है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है ये समझिए। हमारे पास में, हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व, 10th नंबर की नर्व है, ठीक है ना, वेगस नर्व 10th नंबर की नर्व है, क्रेनियल नर्व है, वेगस मतलब होता है वांटिंग नर्व, ऐसी नर्व जो यहां से वहां हर जगह जाती है। अगर आप इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो, इसका स्टिमुलेशन कर सकते हो, तो आप जिंदगी में हमेशा काम और एनर्जेटिक साथ साथ रहेंगे, शांत भी रहोगे और हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, हमेशा लड़ने की इच्छा होगी, हमेशा कुछ कर गुजरने की तमन्ना आप में रहेगी, हमेशा। ऐसा होगा ही नहीं कि आप घबराए हुए हो, एंग्शियस रहो, इंपॉसिबल। आप अगर इसका स्टिमुलेशन कर सकते हो तो आप शांत हो जाओगे, आप एनर्जी रहेगी। और मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर लोअर लोब्स कहां होती है, लंग्स में नीचे की तरफ ऑक्सीजन जा रही है और वो लोअर लोब्स ऑक्सीजन से फुल हो रही है, तभी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व आपके पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जब इंसान
सारे लोग हरी भरी और करी में है। आप देखिए ना, जानवर बिल्कुल शांत है, पेड़ पौधों को मतलब नहीं है, जानवरों का सब कुछ अपन ने खा लिया, आधे जानवर मिटा दिए, फिर भी जानवर गाय बेचारी पूरी शांति के साथ में खड़ी है कि रोटी दे दो बस जीवन गुजर जाएगा। और इंसान फिर भी चिंता में, सबका खाके भी चिंता में, इंसान सबका खाके भी बर्बाद हुए जा रहा है, हरी भरी करी बस हमेशा हमेशा चिंता में है। तो अगर आप वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कर लेते हो तो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल सीक्रेट होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो तब सीक्रेट होते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो, मोबाइल चला रहे होते हो, टेक्स्टिंग कर रहे होते हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, नशा कर रहे होते हो, सिगरेट दारू जितनी भी चीजें, खाना खा रहे होते हो, जब भी आपको अच्छा फील हो रहा होता है तब ये केमिकल सीक्रेट होते हैं। मतलब जितने भी आपके नशे हैं, जितने भी आपके एडिक्शन हैं, वो इन केमिकल्स की वजह से हैं, और इन केमिकल्स को आप नेचुरली भी सीक्रेट कर सकते हैं बिना कुछ किए। इसकी बात हम लोग करेंगे, डोपामिन और सीरोटोनिन। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी छोड़ना है, आपको नशा छोड़ना है, आपको कोई आदत छोड़नी है, कोई आपको लत छोड़नी है, किसी इंसान को छोड़ना है, कोई गंदी आदत छोड़नी है, गंदी चीज आपको छोड़, कुछ भी आपको खत्म करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और ये ज्ञान देने से पहले मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के सामने आया। तो हमें इस चीज को समझना है, ये वेगस नर्व है। और वेगस नर्व जो है ना, वो लगभग हर एक ऑर्गन को सप्लाई करती हुई चलती है, इंटेस्टाइन तक, पेट तक। मतलब किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी का लीवर ठीक नहीं है, किसी का पेंक्रियास ठीक नहीं है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर प्रॉपर नहीं है, क्यों? चिंता में रहे, सांस ढंग से लिए नहीं, अब गोलियां लेनी पड़ रही है। जिसने सांस ढंग से लिया उसको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है, जिसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लिया वो उसकी बॉडी में अपने आप फार्मेसी बन जाती है, अपने आप मेडिकल स्टोर बन जाता है, अपने आप बढ़िया केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, अपने आप उसको अच्छा लगने लगता है, उसको कहाँ जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की दवाइयों की, कौन से कैप्सूल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग है, बाकी सब काम वेगस नर्व देख लेगी। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो गई तो हर ऑर्गन से वो काम करवा लेगी जो उसका काम है, और अगर स्टिमुलेट नहीं हो रही है तो किसी भी ऑर्गन से वो काम नहीं हो पाएगा जो उसका काम है, तुम्हारा शरीर खराब, डॉक्टर साहब दवाई लिखो। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, 10th नर्व वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज को समझा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं। आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी को शुगर की दिक्कत है, अब दिक्कत है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन इससे फायदा होगा। आप अगर यंग हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको होगी भी नहीं अगर आप ये काम करते हैं तो। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको जिंदगी में असीम सफलता चाहिए उसके पास बीमार होने का समय नहीं हो सकता, और जिसको अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम ऊंचाइयां हासिल करनी है, बीमार होने का समय नहीं होता, उसके पास होता ही नहीं है समय किसी भी चीज के लिए, नहीं है उसके पास सिवाय उसके गोल के। ही हैज टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, वरना वो हासिल नहीं कर पाएगा। अब मैं वो बता रहा हूं जो मैं बताने के लिए आया हूं। वेगस नर्व स्टिमुलेशन वाया LNB एंड DB, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपको ये सब कैसे पता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें मैं रिसर्च करता हूं और
तब आपके सामने लाता हूं। उस पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं जहां से हमको चीजें समझनी है। मैं शांत रहने के लिए क्या करता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया। देखिए, मैं जो चीज करता हूं वो करता हूं LNB, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और मैं ये चीज आज आपको समझाने वाला हूं कि मैं कैसे बहुत देर तक भी ये चीज कर पाता हूं। यहां पर LNB का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको एंशियंट साइंस में चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है, और DB मतलब है डीप ब्रीदिंग। मैं जब सिंपली, जो आप में ज्यादातर लोग करते हैं, अपना फोन भी चला रहा होता हूं, स्क्रॉल कर रहा होता हूं, मैं फोन को उल्टे हाथ में रखता हूं, सीधे हाथ से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करता हूं और लेफ्ट से ब्रीदिंग करता रहता हूं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से क्या होता है सर, बताओ तो? ये कुछ डेटा है जो पब्लिश किए गए हैं। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्या इंस्ट्रक्शन इन वॉलंटियर्स को दिए गए थे, आप समझ लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। द वॉलंटियर्स वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्रैक्टिस एनी अदर एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड वन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, और वो कौन सी थी? द पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस्ड LNB सेशंस ऑफ 45 मिनट्स फ्रॉम 9 AM टू 9:45 AM आफ्टर द लाइट ब्रेकफास्ट, एंड दिस शेड्यूल कंटिन्यूड फॉर 2 वीक्स। अपने पेरेंट्स को भी आप ये चीज बता सकते हैं, अपने दादा दादी को, पेरेंट्स को, सबको ये चीज समझा सकते हैं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। जब ऐसा किया गया तो SBP यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, हार्ट अटैक उसकी वजह से आता है और कई दिक्कतें इसकी वजह से होती है। आप देखिए, जब ये 126 के आसपास था, 10 mm ऑफ HG से कम हो गया। SBP यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ HG से कम हो गया। पता है क्या होता है, मैं आपको ब्लड प्रेशर की साइंस बता देता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। आप कोई सी भी, ध्यान से समझिएगा, अपने घर वालों को समझाइएगा, समझिएगा चीजों को कैसे काम करती है। मान लो आप कोई सा भी स्ट्रेस वाला काम करते हैं, जैसे भी मैं कर रहा हूं, हालांकि मुझे तो मजा आता है इस काम में, बट ज्यादातर लोगों के लिए तो काम करना स्ट्रेस है। जब आप कोई भी स्ट्रेस वाली चीज करते हैं तो आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन आएगी कहां से? तो क्या करता है कि ब्लड की स्पीड को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट को बोलता है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भेजो। तो अब रोज जब वो काम हो रहा है तो रोज ब्रेन हार्ट को बोल रहा है कि जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस हो रखा है, तो दिस बिकम एन हैबिट, हैबिचुअल हो जाता है वो, और BP हाई रहने लगता है। इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आप देख सकते हैं 76 था, और सिर्फ 2 हफ्ते में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, बीपी को डिक्रीज करने की चाहे कोई सी भी दवा हो, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो एम्लोडिपिन हो, निफेडिपिन हो, चाहे वो बीटा ब्लॉकर हो जैसे प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, कोई सा भी आपके पास में हो, बीपी की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवा, कोई सी भी स्ट्रॉन्ग, 16 mm ऑफ HG से बीपी को कम नहीं कर सकती, इतना मैक्सिमम डिक्रीज कर सकती है दवा। बाकी तो बॉडी खुद एडजस्ट करती है, आर्टरीज को चौड़ा करेगी, हार्ट रेट को कम करवाएगी, आपको रिलैक्स करेगी, वो फिर सब काम बॉडी करती है। आप किसी भी सुपर कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना कि सर दवाइयों से के भरोसे हम कितना चल सकते हैं, तो कहेंगे कि इससे कम नहीं कर सकती, बाकी फिर आपके हाथ में है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेटा पानी ले जाए, 2 गोली खैर ये सो गए। हमें समझ लेना है कि आपके एफर्ट से ही ये सब चीजें ठीक होने वाली है। समझो एक बार इस चीज को, पल्स रेट जो 85 थी 81 पे पहुंच गई, रेस्पिरेटरी रेट में भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है, ठीक है। उसके अलावा बाकी और मेजरमेंट्स हैं जो आपके काम के नहीं है, ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे अपन। ये सब हुआ किससे? LNB से।
मैं ये काम मतलब मैं कुछ भी कर, जैसे मान लो मैं इसको पढ़ रहा हूं, मेरे पास एक कंटेंट है मैं इसको पढ़ रहा हूं, और मैं लेफ्ट टू राइट, राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से चल रहा है। कई बार ऐसा होता है पांच पांच छह छह घंटे तक मैं एलएनबी कर रहा होता हूं, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे महान योगिक साइंटिस्ट ने बहुत पहले बता दिया था कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से होता है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक ही रास्ता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाया लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब बाया नासिका छिद्र ही रिलैक्स होने का रास्ता है, बाकी और नहीं है। इस छिद्र से रिलैक्स नहीं हो पाओगे, स्ट्रेस में जाओगे। हमें ये समझ बहुत पहले बता दिया था, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोला, बहुत पहले बता दिया था। और मतलब बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैनाकुल डाइजेशन अल्टीमेट, मुस्कुराहट चेहरे पे, गुस्सा बिल्कुल कम, दिमाग में शांति, हमेशा काम करने का मन, हमेशा बढ़िया फोकस, हमेशा बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन, यही तो भगवान है। जिसकी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड है वो ईश्वर है, वही भगवान है। हमें समझ लेना है लेफ्ट नॉस्ट मतलब एलएनबी ये। और अब सोचो ना तुम लोग यार, इन्होंने कितने टाइम किया, इन्होंने इनको सिर्फ दो हफ्ते करवाया गया है काम, जस्ट फॉर टू वीक्स। और डेटा आप देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट चेंजेस है, देख रहे हो आप सिग्निफिकेंट चेंजेस। तुम दवाइयों के भरोसे जिंदा मतलब ही नहीं है। राइट को बंद कर लो, और जैसे ही आप फोकस ब्रीदिंग करते हैं ना, तो डीप हो जाती है, डीप हो जाती है, स्लो हो जाती है, डीप हो गई, स्लो हो गई, फोकस्ड हो गई, अरे सेल्स को मजा आएगा, शरीर को मजा आ जाएगा, उसको लगेगा कि वाह क्या जीवन चल रहा है। क्योंकि फिर ब्रेन को स्ट्रेस फील नहीं होता ना, वो कहता है कि हाँ ये शरीर तो अभी 200 साल कहीं नहीं जाएगा, 150 साल तो जिएगा ही जिएगा, वाह वाह मजा आ गया। हमारे पुराने योगी लोग जीते थे। तो हमें ये समझना है कि जो भी आपके डाउट्स है वो मैं आपको लेने वाला हूं, लेकिन ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन एकमात्र रास्ता है एलएनबी से। पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है एलएनबी से। आप ये नहीं कर सकते, नहीं सर हम ये नहीं करें, एक और रास्ता है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट है, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथिंग, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, दिमाग शांत हो जाएगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा, सिर्फ काम करने का मन करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा होगी। आपके घर वालों को भी करवाना है, माँ बाप को करवाना है, भाई बहन को करवाना है, पूरे परिवार को करवाना है, दादा दादी को करवाना है, दोस्तों को करवाना है, सबको करवाना है। हमें ताकतवर युवा चाहिए, शक्तिशाली युवा चाहिए। और मेरा आखिरी सेशन है, उसके बाद में सिर्फ ओटीटी इंडिया पे सेशन लिया करूंगा। अगर आपको स्टील बॉडी ताकतवर शरीर और स्टील माइंड रुका हुआ दिमाग चाहिए, शांत दिमाग चाहिए, डीप ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सिंपली डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, पेट आगे जाना चाहिए, या फिर एक बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं क्या करना है। उसमें ध्यान से समझना, पेट के आगे हाथ रखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, और अब सांस को खींचना है, पेट आगे जाना चाहिए, थोड़ी सी देर रोके, 2 सेकंड आपने खींचा, 2 सेकंड आप रोके और 2 सेकंड में रिलीज कर दें। जब आप ये काम करते हैं तो आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, लेकिन राइट को बंद कर लो बस। और इफेक्टिव तरीका है, एक और इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि आप राइट को बंद कर लो, लेफ्ट से खींच रहे हो, राइट से छोड़ दो। बट जो आज की जनरेशन है, हाँ जो आज के युवा हैं जिनके पास तो समय ही नहीं है, सिर्फ कुछ मत करो,
राइट को बंद कर दो, अपने आप शांत हो जाओ, बिल्कुल ठंडे, आहा, जिंदगी में आनंद आएगा जीने के लिए। तो हमें यह समझ लेना है, एलएनबी और डीबी, इन्हीं से वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है, इसी से आपकी ब्रीदिंग डीप हो सकती है, इसी से आपकी उम्र बढ़ सकती है, इसी से आपके थॉट्स कंट्रोल हो सकते हैं, इसी से आप स्टिल बॉडी और स्टिल माइंड हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 70% एक्सक्रीशन और 70% एनर्जी लंग से ही आती है। हमें समझ लेना है और हमारी जिंदगी में, मैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का फैन हूं, मैं कुछ भी आज अपनी जिंदगी में हूं तो मैं सिर्फ एल एन बी की वजह से हूं, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आपके चेहरे पे चमक ला देगी, आपका डाइजेशन शानदार कर देगी, जो खाएंगे वो पच जाएगा, आपको जिंदगी में सिर्फ आनंद आएगा, काम करने में मन करेगा, जो सुकून होगा, सुबह से रात तक काम कर लेंगे, थकान बिल्कुल नहीं होगी, जीवन जीवन फील होगा, धरती पे स्वर्ग महसूस होने लगेगा, यही तो जिंदगी है, वरना नरक महसूस होगी धरती, और उम्मीद करोगे ऊपर जाएंगे कुछ मिलेगा, वो परियां शायद जो भी मिलता है भाई मुझे नहीं पता इसका कुछ, ये धरती स्वर्ग है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप, एलएनबी कर सकते हो, या फिर 2 घंटे एलएनबी आप कर सकते हो, सिंपली आप ऐसे राइट नॉस्ट्रल को दबा के रखते हो, या फिर सिंपली आप 2 सेकंड खींचा, 2 सेकंड रोका और निकाल दिया। एक इसमें एक और टेक्निक कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, 478 टेक्निक, 478 कि 4 सेकंड खींचना है, 7 सेकंड रोकना है और 8 सेकंड रिलीज करना है, बहुत टफ है और 90% लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, स्टील बॉडी और स्टील माइंड आर फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से ही सब कुछ होता है। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव अगर होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने की और इच्छा आती है, तो जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, जरूर से फीडबैक दीजिएगा और अपने घर पर सबको काम करवाइएगा, मैं नहीं चाहता कि घर पे किसी की भी तबीयत खराब हो। थैंक यू सो मच, आप किसी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बता सकते हैं। लव यू ऑल एंड गुड नाइट एवरीवन।